हेलो, वेलकम टू होम फूड्स। तो बड़े दिनों के बाद एक बहुत ही बढ़िया सी डिश मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो कि है मिलेट्स लजानिया। तो इसके जो भी सीक्रेट्स हैं ना, वो जब आप रेसिपी पूरी देखेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें क्या क्या मैंने यूज़ किया है, क्या क्या डाला है। बहुत सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि इनसे हम लजानिया बना सकते हैं। मतलब लजानिया यानी मैदा मैदा मैदा, बट इट इज़ नॉट मैदा एट ऑल। तो पूरी वीडियो जो है पूरी देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। छोटी छोटी टिप्स मैं उसमें आपको देती रहूँगी, जो आप सुनते रहिएगा और फॉलो करिएगा। और चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम मिलेट्स लज़ानिया। बनाना ज़रूर है आपने, और कमेंट्स में भी आपने बताना है कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। हेलो, वेलकम टू एकदम फूड्स। ये जो खिलारा मैंने डाल रखा है ना चीज़ें, आपको मैं धीरे धीरे से दिखाती जाती हूँ कि ये इतनी सारी चीज़ें मैंने ली हैं आज। लेकिन इसका बन क्या रहा है, बन रहा है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, जो आपने आई डोंट नो कभी खाई होगी कि नहीं खाई होगी, पर ये जो हेल्दी चीज़ें होती ना उसी से मैंने बनाया। यानी कि जो आप मिलेट्स के अगर आप खाते हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें जो मैंने मिलेट से बनाई हैं, ये एक आरका मिलेट है, मैं आपको बताती हूँ। ये आरका मिलेट है, ये मैंने एक लिया इसमें, और ये है नवने राइस जो हम खाते हैं, व्रत में भी खाते हैं, ये एक मटेरियल लिया मैंने। और ये एक सामे राइस है, ये मैंने लिया है। और जो है ये आप देख सकते हो, ये रागी पाउडर है। और ये जो देख रहे हो आप, ये जो मैंने तीन तरह के मिलेट्स आपको दिखाए हैं, और भी अगर आपको वैरायटी मिलती है आप वो भी लेकर के यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे मिलेट्स लज़ानिया, है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। तो चलिए बारी बारी से बनाते हैं। हालांकि बहुत सारे आइटम्स में यूज़ होते हैं, पर जो आउटपुट होता है ना वो बहुत ही यमी होता है, एंड यू विल रियली लव इट। हेल्दी लज़ानिया खाने को किसको मन नहीं करता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मिलेट्स आपके पास हैं उन्हें आप कम से कम 6-7 घंटे भिगो दीजिए, जैसे कि इस तरह मैंने भिगा के रखे हुए थे। रात भर भिगा दिए थे मैंने, और सुबह मैं इसको मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। साथ ही मैंने रागी का जो पाउडर मिलता है वो भी मैंने लिया हुआ है। तो हम इन दोनों को मिक्स करेंगे पीसने के बाद। तो ये जो है हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। लेकिन उससे पहले हम बाकी तैयारियां भी आपको कर लेनी चाहिए। जो सब्जियां काटनी है मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगी, तो आप जो है पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो ये देख रहे हैं, ये मैंने पीस लिया है। तो ये जो पिसा हुआ माल है ये हम इसमें डाल लेंगे एक बोल में। इसमें जो भी लगा लगा है वो आप जो है थोड़ा पानी डाल के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा रागी पाउडर, जो कि अगेन अ वेरी हेल्दी थिंग, क्योंकि मिलेट्स के बना रहे तो हम सब मिलेट्स ही यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, आप देख रहे हो थोड़ा सा ही मैंने यूज़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ती इसके। जो है हम इसके ना एक पैनकेक टाइप बनाएंगे, डोसा या चीला जो भी बोल सकते हो। बिकॉज हम मैदे का अगर बनाते लज़ानिया शीट्स, तो हमको पूरी मैदे की बना के उसमें बॉईल करके उसकी शीट्स बनानी पड़ती है, या आप बाजार से खरीदते। तो इसमें थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार जो है नमक डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको ब्लैंड नहीं रखते हैं, हम इसमें थोड़ी रेड चिली पाउडर, या फिर अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है ना तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और अगर आप ऑरिगेनो डालोगे ना तो भी बहुत अच्छा लगता है इसमें, या फिर बेसिल कुछ डाल दो, क्योंकि ये सब चीज़ों का फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया आता है। तो ये हमारा हो गया। अगर आपको लगे थोड़ा सा पतला करना है तो आप हल्का सा पतला कर सकते हो। और उसके बाद जो है हम इसको नॉन स्टिक पैन में इसके हम बना लेंगे छोटे छोटे पैनकेक्स। तो ये हमने पैन रख दिया है, इसके ऊपर हम ये दो छोटी छोटी सी करछी जो है इस तरह डाल के बना लेंगे। अगर आपके पास स्क्वायर शेप का तवा है तो वो भी चलेगा, उसमें भी बना सकते हैं, ताकि आप स्क्वायर डिश में बना सकते हैं, या गोल बना के उसको आप जो है कट हाफ हाफ कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा पका के हम इनको निकाल के ठंडा करने रख देंगे। इनको बहुत ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा बस इन्हें पका के आप रखते जाइए। मेन बॉइल जो है ना, जब तक आप ये पैनकेक्स बना रहे हैं दूसरी फिलिंग्स भी आप साथ साथ बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने पालक ली है चॉप करके, एक अच्छी 3-4 मुट्ठी पालक ले ली है, क्योंकि न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है। और उसमें हमने व्हाइट सॉस के नाम पे कुछ ऐसे उल्टे सीधे चीज़ें नहीं डालनी है। तो हमने क्या डालना है इसमें, ये मैंने लिया है इसमें ओट्स लिया है थोड़ा सा, ये हमने लिया है अखरोट लिया है, अखरोट इसमें हम डाल देंगे। और मैंने लिया है ये हरी मिर्ची जो हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ये चीज़ स्लाइस चीज़, या आपके पास दूसरा कोई भी चीज़ है वो आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डालना है हमने दूध और नमक, यही बस चीज़ें डाल के हमने इसमें जो है इसकी बनानी है एक फिलिंग। ये चीज़ स्लाइस को आप थोड़ा तोड़ करके इसमें इस तरह से डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे मिल्क, बहुत ज़्यादा एक छोटा एक करछी टाइप डाल देंगे। और नमक हमने डाला इसमें, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ना डालें, मतलब इटालियन चीज़ है जो भी होती है उसमें कम होता है, पर ये अपना प्रॉपर इंडियन वर्जन बन रहा है। और इसको हम रख देंगे माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव में पालक पकाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसकी बढ़िया सी ना एक फिलिंग बन जाएगी और थोड़ी थिकनेस भी आ जाएगी। तो मैं इसको माइक्रोवेव में एटलीस्ट 4 मिनट्स रख के आ जाती हूँ, जब तक पैनकेक्स बन रहे हैं हमारे।
ये हमने माइक्रोवेव में रख दिया इसको। तो ये हमारे अभी तीन हुए हैं और चार पांच बना लेंगे हम। और इसके साथ साथ एक और काम हम साइमल्टेनियसली करेंगे, वो क्या, वो हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। तो ये एक कप भर के मैंने दूध ले लिया, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने अगेन नो मैदा नथिंग, ये ओट्स लिए, एक कटोरी भर के ओट्स ले लिए हमने, और ये चीज़ स्लाइस, वही अगर आपके पास दूसरा चीज़ है वो डाल सकते हैं। और हमने, मेरे पास ना ये घर का बना हुआ बटर है, तो मैंने बाजार का बटर भी यूज़ नहीं किया है, तो मैं ये घर का बटर दो टुकड़े जो है इसमें डाल देती हूँ। साथ ही हमने थोड़ी इसमें डालनी होती है नमक, बाद में भी डाल सकते हैं आप नमक, और पेपर आप चाहें तो पेपर भी इसमें डाल सकते हैं। इसको हमने अब गैस पर चढ़ाना है, तो इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया और उसको साथ साथ काम करते करते इसको भी थोड़ा व्हिस्क करते हुए हमने व्हाइट सॉस बना लेनी है। चाहे तो व्हाइट सॉस से ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं। ये देखिए साथ साथ हमारा ये जो है पैनकेक भी बनते जा रहे हैं, चार रेडी हो गए हैं। ये मैं साथ साथ बनाते जा रही हूँ ताकि दूसरे काम भी साथ साथ होते रहें। उधर माइक्रोवेव की सीटी भी बज गई है, अभी देख लो पालक, मुझे पालक बोल रही है आके देख लो, मैं अभी बढ़िया सी तैयार हो गई हूँ, तो वो भी मैं जाके अभी निकालती हूँ। तो ये साथ साथ मैं धीरे गैस पे इसके व्हाइट सॉस बनाते रहूँगी। तो ये जो है पालक वाला मैं देखिए निकाल के लाई हूँ, लेकिन ये मुझे लग रहा है अभी पूरा पका नहीं है, पर ठंडा होके हो सकता है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा और गाढ़ा चाहिए, मतलब पेस्ट जैसे थोड़ा होना चाहिए, ताकि मुझे स्प्रेड करने में बिल्कुल ही पानी पानी सा ना हो, बिकॉज ओट्स है ना इसमें, तो थोड़ा ये अच्छे से हो जाएगा, और चीज़ भी है, या फिर हमको थोड़ा इसको ऐसे चलाते हैं। और मैं इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए और रख के आती हूँ। और ये जो है ना व्हाइट सॉस आपने चलाते रहना नहीं भूलना, बीच बीच में जरा सा आना जाना, और ये भी करना है, और साथ में हमारा पैनकेक भी बन रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी अब हम नेक्स्ट जो बनाएंगे साथ साथ में, ताकि साइमल्टेनियसली जो है सब काम हो जाए लज़ाना का, और फिर सेटिंग हम फटाफट करके उसको बेक कर सकते हैं। अब ये हमने एक पैन ले लिया, ये भी हम साथ साथ कर रहे हैं। इस पैन में हमने क्या करना है, थोड़े टमाटर हम सब एक साथ ही डाल देंगे ताकि ईजी भी हो जाता है प्रोसेस, और ये प्याज, और साथ में जो है लहसुन, अगर आपके पास गार्लिक पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हो, मेरे पास है, मैंने फ्रेश लहसुन ले लिया। और इसमें हमने थोड़ा सा डालना है अपना नमक, बहुत ज़्यादा नहीं, आपने किसी में भी नमक डालना, कम कम ही डालना है। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें, मैंने जैसे कि इसमें मैंने पेपर डाला है, तो आप इसमें पेपर डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास घर का है तो मैं इसमें डाल देती हूँ, और थोड़ी सी अगर आप चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं, ऑरिगेनो डालना चाहते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी इसमें शुगर या फिर आप सॉस डाल सकते हैं, और इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे। ये मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है, और मैं जो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ, आप चाहे तो चीनी, हनी, कुछ भी डाल सकते हैं, और बस इसको थोड़ा सा आप थोड़ी देर पका लीजिए, ये थोड़ी चटनी टाइप बन जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना आपने, क्योंकि जब हम बेकिंग करेंगे तो भी ये सब चीज़ें पकती हैं, तो हल्की सी इसको बस पूरी चीज़ें मिक्स हो जाए, हल्की सी पक जाए, तब तक इसको हमने बेस इसका बनाना है। और साथ साथ आपने भूलना नहीं है कि व्हाइट सॉस भी चढ़ाई हुई है आपने, देखिए गाढ़ी होना शुरू हो गई है, ये धीरे पे रखी है मैंने, ये माइक्रोवेव से मैंने निकाला है, तो मतलब आप टोटली अगर आप रखेंगे तो कम से कम 8 मिनट्स आप रख दीजिए, तो ये बढ़िया से हो जाएगी, ये थोड़ी ठंडी होते होते गाढ़ी हो जाएगी, जैसा कि जब आप ओट्स बनाते हैं तो ठंडे होते कैसे हो जाते हैं, तो ये भी वैसे ही हो जाएगी, तो ये एक फीलिंग बहुत बढ़िया सी बनी है। ये थोड़ी और जब गाढ़ी होती है ना, आप इसको सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं, या रिसोर्टो बनाते हैं ना उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह भी आप इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज ऐसे भी खा सकते हैं पराठे में रोल करके, तो ये फीलिंग हमारी रेडी है। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको और बताती हूँ, जो आप कि आप ये देख सकते हो ना, व्हीट ग्रास है, अगर आप चाहें तो इसमें किसमें से किसी भी स्टेप पे आप किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। बार्ले पाउडर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि व्हीट ग्रास है, तो व्हीट ग्रास आप थोड़ी सी जो है आप जो बेस बना रहे हैं टमाटर प्याज का, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास बार्ले पाउडर है, बार्ले का पाउडर, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने व्हाइट सॉस में डाल के मिक्स कर लीजिए, देखिए क्या बढ़िया व्हाइट सॉस रेडी हुई है। अगर आप चाहें थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है ना, आप इसमें थोड़ा दूध डाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि अच्छे से हम पोर कर सकें। तो
अब जो है हर चीज़ हमारी रेडी है। ये जो वाइट सॉस है ना, ये ओट्स वाली जो हमने बनाई थी, ये थोड़ी गाढ़ी हो गई थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया ताकि ये थोड़ी फ्लोई कंसिस्टेंसी में होगी। तो बाकी चीज़ें जो आप देख सकते हो जो हमारी पूरी रेडी हैं, एवरीथिंग इज़ रेडी। तो हम जो है लज़ानिया डिश लेकर वी विल स्टार्ट मेकिंग इट। तो हमारी ये जो लज़ानिया शीट्स सो कॉल्ड बट मिलेट्स की हमारी रेडी है। ये हमारा बेस है टमाटर प्याज का जो हमने बनाया खट्टा मीठा। ये मेरे पास थोड़ा और पड़ा था तो मैंने ऐड कर दिया है, जितना लगेगा लगेगा। आप इसको चाहे तो एक और लेयर में भी लगा सकते हैं। फिर हमारे ये पालक की जो स्पेशल एक लेयरिंग है, दैट्स अमेजिंग। ये ज़रूर बनाइएगा लगाइएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पालक, ओट्स और आपने देखा चीज़ और अखरोट, थोड़ा हरी मिर्ची, ये सब डाल के मैंने इसका जो एक लेयरिंग बनाई है। और ये वाइट सॉस तो सबसे टॉप पे डलेगी और बीच में भी हम इसको यूज़ करेंगे ताकि जो पकड़ जाता है लज़ानिया की जो शीट्स एक दूसरे से, और सब्जियां भी थोड़ी स्टिकी हो जाती हैं ताकि वो होती है। और इसके बाद ये जो सब्जियाँ हैं, थोड़ी सब्जियाँ मैंने ली हैं। जो भी सब्जी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने एक्जॉटिक सब्जियाँ यूज़ करनी है। आप गाजर, बीन्स, कैबेज, ये सब यूज़ कर सकते हैं। बीन्स थोड़ा कुकिंग में टाइम लगता है तो बीन्स को थोड़ा सा आप माइक्रो करके यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। तो मैंने थोड़ी जो मेरे घर में पड़ी थी वही ले ली। ब्रोकली है थोड़ी, लाल और पीली शिमला मिर्च है, जुकीनी है, ये थोड़े बेसिल के पत्ते मेरे पास से तोड़ लिए, फ्रेश हो तो वो भी आप ले लीजिए। थोड़े कैरेट्स है और ये थोड़ा लहसुन और हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा कट करके रखा है, वो इन सब्जियों में आप ऐड कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा देता है। नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई बात नहीं है, तो इसलिए हमने काली मिर्च और नमक रखा है, वो आप इन सब्जियों में बिल्कुल हल्का सा ऐड करके उसकी एक लेयरिंग कर सकते हैं। मेन लेयरिंग ये हमारी मशरूम्स की भी होगी। मशरूम्स और पालक की जो है मेन लेयरिंग होती है जिससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो ये मशरूम मैंने काफ़ी सारा एक पैकेट जो मिलता है वो पूरा पैकेट लेके धो के इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है। और सबसे टॉप लेयर जो है वो है ये हमारी, थोड़े से मैंने बेबी टोमेटोज ले लिए हैं और ये मशरूम्स को थोड़ा सा रख लिया ऊपर से सजाने के लिए। और ग्रीन कलर का अगर आप कुछ कैप्सिकम वगैरह लगाना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन आप ऊपर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, मैंने बहुत सिंपल किया। और ये जो पिज़्ज़ा वगैरह आप खाते हैं तो बच जाती है कुछ चीज़ें, वो सब हम यूज़ कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह अगर आपके घर में है तो आप ओरिगैनो वगैरह चिली फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ क्यूब्स मैंने लिए हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने मोज़रेला ही चीज़ लेनी होती है इसमें। ये सिंपल जो चीज़ क्यूब्स आपको मिलते हैं या फिर चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ क्यूब को मैंने चार या पांच इस तरह लग जाते हैं, इनको ग्रेट कर लेंगे हम ऊपर से डालने के लिए। तो बीच में मैंने कहीं चीज़ नहीं डाला क्योंकि हमने जो बाकी चीज़ें जैसे कि बनाई हैं उन सब में ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सा चीज़ है, जैसे कि वाइट सॉस में है, इसमें है, पालक वाली में, तो हम इतना ज़्यादा चीज़ हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारे रेडी हैं। तो चलिए अब निकालते हैं अपनी ये लज़ानिया डिश और जो ओवन को कन्वेक्शन को थोड़ा 180 डिग्री पे जो है प्री हीट करने रख देते हैं जब तक हमारी सेटिंग हो जाएगी। ये चीज़ क्यूब जो है इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे तो ये हमारे ऊपर डालने के काम आएंगे। ये चीज़ मैंने चार क्यूब्स ग्रेट किए हैं, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन मैं इसको ना थोड़ा फ्रिज में रखाऊंगी ताकि जब हमको उसको यूज़ करना हो ना तो ये स्टिकी सा नहीं रहेगा, तो इसको डालने में थोड़ा हमारे को ऊपर कोटिंग करने में ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई अपना लज़ानिया की सेटिंग करना। ये देखिए, ये जो है नीचे की लेयर हम इस तरह से इसमें लगा देंगे, पूरी इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। इसको हम स्प्रेड कर देते हैं और इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ी मेरी बच गई है तो मैं अलग रख देती हूँ। उसके बाद जो हमने सो कॉल्ड हमारी इंटरेस्टिंग वाली लज़ानिया शीट्स हैं वो दो मैं इसमें रख दूंगी। और उसके बाद जो है मैं इसमें डालूंगी हमने जो काट के रखे हैं मशरूम्स। आई यूज़ लॉट ऑफ मशरूम्स क्योंकि मशरूम इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो हम इसमें बहुत सारे मैं जो है मशरूम्स यूज़ करते हैं क्योंकि मशरूम जब कुक होते हैं तो वैसे भी बहुत ही थोड़े से हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे इसमें जो है मशरूम्स डाल दिए हैं। और मशरूम्स के ऊपर से ना मैं हल्का सा पेपर और सॉल्ट डालूंगी, बहुत ही हल्का सा। और इसके बाद जो है बारी आती है हमारी वाइट सॉस की जो हमने बढ़िया सी बनाई है। नो मैदा, देयर इज एब्सोल्युटली नो मैदा। तो वाइट सॉस जो है इसके ऊपर से आप कर दें पोर, जिससे कि आएगा बहुत ही बढ़िया लज़ानिया में टेस्ट। तो ये पूरा जगह आप स्प्रेड कर दीजिए। नेक्स्ट हमने फिर से दो हमारे हेल्दी वाली लज़ानिया शीट्स लगा दी हैं जिसके ऊपर की अब हम डालेंगे अपनी पालक वाली लेयर। अगर आपकी लज़ानिया शीट्स थोड़ी कच्ची पकी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे भी इसने अच्छे से कुक हो ही जाना होता है।
ये पूरी बढ़िया सी लेयर हम पालक वाली पूरी कोट कर देंगे इसमें। और इसको थोड़ा सा आपने प्रेस करते जाना है, दबा दबा के थोड़ा सा, ये हो गई। और इसके ऊपर से फिर हमने दो हमारी हल्दी वाली लज़ानिया शीट्स डाल देनी है। और उसके बाद हमने डालनी है ये हमारे पास जो सब्जियां बनी है, ये जो सब्जियां हैं इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट हल्का सा और पेपर डाल के हल्का सा इसको मिक्स कर लीजिए। ये हमने पूरी मिक्स कर ली है और इसको हम जो है इसके ऊपर डाल देंगे। एक तो सुंदर कलर भी देता है और उसका जो न्यूट्रिशन है वो आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया है। तो इसको भी हमने थोड़ा सा दबा देना है ताकि जगह बन जाए। और उसके बाद ये जो बची हुई हमारी व्हाइट सॉस है, ज़रूरी नहीं कि आपने सारी डालनी है, पर काफ़ी सारी हम इसके ऊपर से कवर कर देंगे पूरी इसको, क्योंकि इसके ऊपर से हमने डालना है चीज़ भी इसके ऊपर। तो ये पूरी जो लेयर है वाइट सॉस की, इससे हम ये पूरा इस वाली लेयर को कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। ये ऑलमोस्ट पूरी लग गई है। इसमें ना मैंने एक छोटी कटोरी ओट्स डाला था, दो घर के छोटी छोटी बॉल जो होती है बटर की डाली थी, और साथ में मैंने इसमें डाला था एक चीज़ का स्लाइस डाला था, थोड़ा सा नमक और पेपर डाला था, और दो कप दूध बड़े वाले इसमें लग गया है। एटलीस्ट आधा लीटर दूध तो लगा दिया मैंने इसमें, जो बाद में भी ऐड किया वो भी। तो ये तो पूरी लेयरिंग हो गई, इसको हमने दबा दिया, काफ़ी ऊपर तक आ गया, मतलब थोड़ी सी गैप रहनी चाहिए जिस बर्तन में आप बना रहे हो, तो थोड़ा सा नीचे सेटल हो जाएगा बाद में। ये चीज़ मैंने फ्रिज में रखी थी ताकि इट्स इजी टू हैंडल, तो इस चीज़ को जो है अब हम इसके ऊपर पूरा डाल देंगे अच्छे से। आप चाहें तो मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मल चीज़ें यूज़ करती हूँ, ये भी उतनी ही इक्वली इफ़ेक्ट देती है। तो ये पूरा हमने कर दिया कवर, और ऊपर की सजावट तो भाई आपके क्रिएशन के ऊपर है। और ये जो हमने बचा रखे हैं अपने भाई सेविंग, इनको जो है हम ऊपर से इसके बुरक देंगे इस तरीके से। ये बड़ा अच्छा टेस्ट देता है वैसे, आपके पास अगर घर में ये सब मसाले हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं ज़्यादा ही पूरे डाल देती हूँ, इसमें काफ़ी सारे चिली फ्लेक्स हैं तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये मेरे पास टोमेटोज़ हैं, तो एक साइड या जैसे भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, टोमेटोज हाफ कर सकते हैं या फुल लगा सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो मैं इस तरह से दोनों तरफ सजा देती हूँ क्योंकि थोड़े से हैं ही टमाटर मेरे पास। तो ये थोड़ा तरीके से हमने लगा दिया है। और ये जो मशरूम्स हैं ये भी हम इस तरह से बीच में लगा देते हैं। सजाना तो आपके ऊपर है भाई, कैसे भी सजा दीजिए, पर हाँ ये जो रेसिपी मैंने आपके लिए बनाई है, आपको पसंद आई तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, बना के अपने दोस्तों को खिलाइएगा। मतलब ये बहुत ही अल्टीमेट चीज़ मैंने बता नहीं है कैसे इन्वेंट हो गई, पर हो गई, बिकॉज़ मैं भी थोड़ा मिलेट्स खाने शुरू हो गई तो मेरे को भी ये सब चीज़ें थोड़ा क्रिएटिव होने लग गया कि भाई मिलेट्स से और हम क्या बना सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें। क्योंकि लोग बोलते हैं भाई मिलेट्स खाना मतलब सादा खाना, ऐसा नहीं होता है। सी मैंने तो लज़ानिया भी बना दिया आपके लिए। तो ये जो है मिलेट्स का लज़ानिया आप बनाना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और बनाना मत भूलना ये चीज़, ये ज़रूर बनाना। तो जो कन्वेक्शन ओवन है मेरा, वो मैंने ऑलरेडी 180 पे सेट करा हुआ है। ये ओवन ऑलरेडी मैंने ऑन रखा था 10 मिनट से। और ये जो नीचे की जो प्लेट एक ज़रूर डाली है उसमें, और उसमें कोई फॉइल एक ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि थोड़ा जो ऊपर से ना चीज़ वगैरह वाइट सॉस उबल के थोड़ा सा गिरता है तो आपका ओवन गंदा हो सकता है। तो मैंने ये इस तरह से लगाया है। और इसको मैंने ला के लज़ानिया को अपने भाई सेंटर वाले जो ओवन के सेंटर पोर्शन होता है ना, सेंटर की लेयर, उसमें लगाना है और बंद कर दीजिए। और उसको आप 35 मिनट्स पे सेट कर दीजिए। 30 to 35 मिनट्स, डिपेंड करता है आपका ओवन कैसा है, बस मतलब अच्छे से महक आनी चाहिए, ऊपर से अच्छा उबलता हो आपको दिखना चाहिए थोड़ा, वो चीज़ बिल्कुल अच्छा मेल्ट हो के, वाइट सॉस भी मेल्ट हो के, बट थोड़ा डार्क नहीं होना चाहिए ऊपर से, मतलब इट शुड बी थोड़ा वाइट होना चाहिए। तो आप लेयरिंग भी देख सकते हो कितनी सुंदर लिख रही है इसके अंदर। तो हम ओवन बंद कर देते हैं और फिर 35 मिनट्स के बाद इसको निकालेंगे, और इसको ना थोड़ी देर बाद खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मिलते हैं जब पूरा बन जाता है उसके बाद। ये देख रहे हो आप, ये 30 मिनट्स में मैंने ओवन खोल के देखा है, 25 to 30 मिनट्स की, किस तरह से हो रहा है देखिए। ये जो है ना, मतलब ये इस तरह से होना चाहिए। टमाटर जो है ना थोड़े पिचक के जो है ना
कम हो जाएंगे। और ये सब अंदर की कुकिंग हो रही है, ओवन खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसकी बॉइलिंग सी आपको दिख रही है, उस तरफ भी कुछ कुछ यूज हो रहा है। तो ये बस और 5 मिनट में इसको रखूँगी, यानी कि मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स में ये हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ओवन कैसा है आपका उसमें 40 मिनट्स में ओके बंद कर देंगे, नहीं तो ये ऊपर से ना डार्क कलर आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। अभी ये वाइट है ना, बस इतना ही हमको रखना है। ओहो हो, ये तो भाई बहुत ही गजब बन रहा है। मतलब आप देख रहे हैं ऐसे ऊपर से भी गिर रहा है नीचे, इसलिए ये जो हमने नीचे जो शीट लगाई है ना, नीचे वाली एक प्लेट लगा के, वो ज़रूर लगानी है कि ऊपर से ना थोड़ा बहुत उबल के गिरता है। और जो जो ये फुल होती है ना लज़ानिया की जो डिश होती है वो बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने पूरा ऊपर तक बनाया। तो ये ऐसे गिर रहा है लेकिन बनने के बाद में, अब इसको हम बंद कर देते हैं, ओवन को भी बंद कर देते हैं और गैस ये जो है अपना बंद करके इसको थोड़ी देर इसी में छोड़ देंगे हम। तो भाई अपना लज़ानिया बिल्कुल तैयार है, मिलेट का लज़ानिया तो आपके लिए जो मैंने आज बनाया है। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और मेरी अच्छी अच्छी जो नई नई ना मिलेट्स की रेसिपी है वो ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। और ये तो अल्टीमेट रेसिपी है जो आपने ज़रूर बनानी है, मिलेट्स का लज़ानिया। मतलब ये अगर आप किसी को खिलाएंगे बिना बताए कि ये आपने किससे बनाया तो कोई गैस ही नहीं कर सकता कि ये भी क्या चीज़ है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में मेरे एकता होम फूड चैनल पे, मिल करके बनाते हैं बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग मिलेट्स की रेसिपीज़, जो कि और भी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे जो आप देखते रहेंगे। और ये मिलेट्स की जो स्पेशल रेसिपीज़ आपके लिए मैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए शेयर करती हूँ, तो आप ज़रूर बने रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।